इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। पहले एक उत्तर प्रदेश में एक लड़की मनीषा करके एक छोटे से गांव में अतराश गांव में मनीषा करके वाल्मीकि लड़की हो, उसके ऊपर दो दो बार रेप हुआ। उधर उत्तर प्रदेश में आदि योगित्यनाथ का सरकार है, वो कोई उधर नज़र नहीं डाल रहे। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर को मोदी स्लोगन करते, ये स्लोगन उनके मुंह में अच्छे नहीं लगता। इसलिए मैं बोल रही हूँ, महिला के रक्षा नहीं कर रही उधर उत्तर प्रदेश में, महिला रक्षा नहीं हो रहे, इसलिए बहुत अत्याचार हो रही। टोटल देश में, इंडिया देश में उत्तर प्रदेश महिला के ऊपर अत्याचार, दलित और माइनॉरिटी के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे, यो खंडनीय करते हम। टोटली हम कांग्रेस वाले और दूसरा अलग अलग फ्रंटल लोग हम खंडनीय करते, इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी बर्खास्त होना। और हमारा नेशनल नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके घर में मिलने के गए, जाने के बाद उनके ऊपर हल्ला करे बहुत खंडनीय है। वो उनके ऐसा बड़े लोगों को ऐसा करे, सामान्य लोगों को कैसा, पब्लिक लोगों को कैसा यो रक्षा करने वाले। इसलिए उधर राम मंदिर नहीं बना रहे, रावण मंदिर बना रहे, लेडीज को संरक्षण नहीं करके ये सरकार रहे क्यों, क्या करना है। इसलिए हमको संशय हो रहे, हमको ये राजकीय लोगों को, बच्चे लोग है उनको बचाने के वास्ते ऐसा लोग वो सभी ये वो कर रहे, वो लोगों को धमकी कर रहे, मनीषा पेरेंट्स को ये धमकी भी। हम स्टार्ट है अभी मोर्चा करने का, अभी स्टार्ट है उग्र होराट करने वाले स्टेट में, हम राज्य में कर्नाटक में वो लड़की की सपोर्ट फुल करने वाले हम। मैडम, आपका कहना है कि जब से मोदी हुकूमत आई है तमाम महाज पर नाकाम है, तमाम फील्ड में नाकाम है, तमाम मैदान में नाकाम है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो धर्म की राजनीति की जाती है, फिर उसको जो है बहुमत से जिताया जाता है। अगर यही होता रहा तो आगे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उग्र होराट करने वाले, अन्याय किधर होते नहीं उनको सपोर्ट करने वाले हम। कांग्रेस वाले कभी भी अन्याय करे नहीं, किसको अन्याय हो रहे हैं, सब लोग वो होराट कर रहे, बहुत लोग हमारा नेता लोग स्ट्राइक भी कर रहे, उसको सपोर्ट कर रहे मनीषा को। ಏನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಮನೀಷಾ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50% ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಗೆ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದಾವೆ.